गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की ये जो ज्योग्राफी की ऑनलाइन सेशन है ये एक डाउट क्लियरिंग सेशन है और इसके अंतर्गत हम पिछले दिनों हमने जो चैप्टर पढ़ा ओशनिक रिसोर्सेज, जो बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर था, उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार के ओशनिक रिसोर्सेज से जुड़े चैप्टर के आपके प्रश्न आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो ओशंस हैं उसमें बहुत सारी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी 1982 में जो पारित हुई उसमें हर देश को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ क्षेत्र का अधिकार उसके पास है, जिसमें इंटरनल सी, जो हमारा टेरिटोरियल सी है, इसी तरह हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो हैं या हाई सी है, सभी के अलग अलग, हर देश के अलग अधिकार हैं। यहाँ एक प्रश्न आया कि हर देश के उस क्षेत्र से जुड़े हुए कौन से अधिकार हैं। जैसे इंटरनल सी है, इंटरनल सी किसी भी देश का वो इंटीग्रल पार्ट होता है जो उसके ज्यूरिडिक्शन में आता है। एक अप्रोप्रिएट बेस लाइन से अंदर की तरफ जो भी एरिया आता है, जो भी बेज आती हैं या जो भी स्मॉल सीज आती हैं, वो सारे के सारे वो कंट्री के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। वहाँ सभी तरह के संसाधनों का दोहन, वहाँ पे आने जाने के नियम बनाने के, वहाँ पे रहने के जो पॉपुलेशन जो वेंचर आउट करती है सी में, उससे जुड़े हुए जो भी नियम हैं वो सारे के सारे कोई भी कंट्री बना सकता है। दूसरी तरफ हम जब टेरिटोरियल सी की बात करते हैं, जिसमें किसी भी देश के वो संसाधन सीमित हैं जो उसके देश के अंदर ही हैं, यहाँ भी उस देश की ज्यूरिडिक्शन है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि जो नियम कानून वो बनाता है वो खुद बना सकता है अपने इस टेरिटोरियल सी के बारे में, जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है। यहाँ यदि कोई दूसरा देश का जहाज आना चाहता है, यदि या कोई दूसरा देश यहाँ किसी तरह के एक्सपेरिमेंट या किसी देश के संसाधनों का दोहन करना चाहता है, तो उससे परमिशन लेनी आवश्यक है जिस देश की वो टेरिटोरियल लिमिट है। यहाँ इसके बाद यदि आगे चले तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, EEZ। इस यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सी के अंतर्गत EEZ वो एरिया है जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने कुछ देशों को आइडेंटिफाई किया है जिनके पास सी बेड से निकालने की टेक्नोलॉजी है, सी बेड से मिनरल एक्सप्लोरेशन करने की टेक्नोलॉजी है। उन देशों को एक एरिया डेजिग्नेट किया है कि आप यहाँ से अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट करें और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें। जनरली ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी है उन मिनरल को निकालने की जो सी बेड पे पड़े हैं, और ये जो सी बेड के रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर 71% वाटर है, ओशंस हैं, तो लगभग सारे के सारे ओशंस पे सी बेड के ऊपर ये मिनरल्स मिलते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ जब हम इसे और आगे चलते हैं तो एक आता है हाई सी। हाई सी एक ओपन हाईवे की तरह होता है जहाँ से कोई भी देश विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी प्रायर परमिशन भी जा सकता है, और वहाँ सामान ले जाने के लिए किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह हर एरिया की, हर जोन की अपनी एक पावर है जो उस कंट्री को यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी के अंतर्गत दी गई है। सॉरी। आगे देखिए, एक प्रश्न और आया। जैसा मैंने बात की कि हमारे ओशन बेड पे बहुत सारी तरह के मिनरल्स मिलते हैं जो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के रूप में मिलते हैं, बॉल्स के रूप में, आपको मैंने क्लास में दिखाया भी था, तो ये मिलते हैं। तो प्रश्न ये उठा कि ये आए कहाँ से हैं। जैसा हम जानते हैं कि ओशंस के नीचे भी अर्थ सरफेस है, और वो अर्थ सरफेस में बहुत सारी तरह के मिनरल हैं। कुछ मिनरल ऐसे हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ मिनरल अनडिज़ोल्व रहते हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होते। तो जो डिज़ोल्व नहीं होते वो सी बेड पे मिलते हैं। साथ ही साथ हमारी रिवर्स भी बहुत सारी तरह के मिनरल्स लाती है, और बहुत सारी तरह के ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बाइंडिंग करते हैं दूसरे मिनरल्स के साथ, सीमेंटिंग करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे मिनरल्स एसोसिएशन में मिलते हैं। क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होते तो हज़ारों लाखों सालों तक ओशन बेड पे पड़े रहते हैं, बिखरे हुए फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, मेटलिक्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। जो डिज़ोल्व नहीं होते वो हम पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के रूप में वहाँ से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो।
तो आपको समझना चाहिए कि जो सी बेड पे जो हमारे मिनरल्स मिल रहे हैं उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन या तो सी बेड इन इटसेल्फ है या रिवर के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट करके जो मिनरल्स लाए जा रहे हैं वो हैं जिससे वो फॉर्म हो रहे हैं। आगे जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे थे ओशंस में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट था कि फिशरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स के रूप में। हमारी इकोनॉमी में हम जानते हैं कि फूड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो ओशन इकोनॉमी है जो हमारी अर्थव्यवस्था का एक मेजर पार्ट हम ओशन से डेराइव करते हैं, उसमें फिशेज़ की एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जो जो कंट्रीज़ या जो जो एरियाज़ कोस्टल एरिया में हैं वहाँ की फूड सिक्योरिटी में डाइट में फ़िश रिच प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो आप देखेंगे कि फ़िशेज़ हम बड़ी मात्रा में पकड़ते हैं, जहाँ जब बड़ी मात्रा में फ़िशेज़ पकड़ने की आइडल कंडीशंस मिलती हैं उनको हम बैंक्स कहते हैं। जैसे आपने न्यू फाउंडलैंड के पास बहुत सारे एरिया ऐसे सुने होंगे जिसमें जॉर्ज बैंक, टागर बैंक, पेरी बैंक, ये बैंक्स वो एरिया होते हैं जो कॉन्टीनेंटल शेल्फ्स का पार्ट होते हैं और यहाँ पर मछलियों के उत्पन्न होने और उनको पकड़ने के लिए आदर्श दशाएँ मिलती हैं, जिनकी चर्चा हमने अपने क्लास में भी की थी। एक बार मैं आपको दोबारा यदि बताना चाहूँ तो यहाँ पर था कि प्लैंकटॉन्स बहुत मिलते हैं, जो फिशेज़ खाती हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, खाना बहुत ज़्यादा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे वार्म करंट एंड कोल्ड करंट आके आपस में मिलती हैं जिसके कारण नॉर्मलाइज टेम्परेचर होता है जिसमें फिशेज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह इन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की दशाएँ मिलती हैं, जहाँ ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वो कॉन्टीनेंटल शेल्स के एरिया होते हैं जिनको हम बैंक्स के रूप में जानते हैं। इन बैंक्स की फ़िशेज़ के पकड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने चार एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे जापान के पास में, इसी तरह हमारे अटलांटिक ओशन में और पैसिफिक ओशन में, जो चार रीजन्स थे जहाँ मछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमी में क्योंकि फ़िशेज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फ़िश से एसोसिएटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इकोनॉमी में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बैंक्स। आगे यदि चलें तो एक प्रश्न आया, प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं? बच्चों, फाइटोप्लैंकटॉन्स एंड ज़ू प्लैंकटॉन्स समुद्र के अंदर मिलने वाले वो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं दैट कैन बी फ्रॉम एनिमल किंगडम एंड दैट कैन बी फ्रॉम प्लांट किंगडम, यानी वो पौधे भी हो सकते हैं और वो कीड़े भी हो सकते हैं। जब हम प्लैंकटॉन्स की बात करते हैं तो जनरली हम उन छोटे हर्ब्स की बात कर रहे हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, जो फिशेज की फूड डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, और जहाँ ये ज़्यादा मिलते हैं वहाँ फिशेज इनको खाने आती हैं, और इनके कारण इन एरियाज़ में जहाँ प्लैंकटॉन्स ज़्यादा मिलते हैं मछलियाँ पकड़ने की अपार संभावनाएँ होती हैं। तो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, फाइटोप्लैंकटॉन्स, ज़ू प्लैंकटॉन्स, बहुत सारी तरह के प्लैंकटॉन्स होते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। जनरली जब पानी में अपवेलिंग हो रही होती है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, तो इन प्लैंकटॉन्स की ग्रोथ बहुत रैपिड होती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो हमारी फिशिंग के लिए ये आदर्श दशाएँ देती हैं। एक हमने बात की थी पिसीकल्चर और एक्वा कल्चर की। तो बच्चों, हम जब ओशंस में देखते हैं तो फिशेज़ जो हैं वो पिसीकल्चर जिसको हम कहते हैं वो बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन उसके अलावा भी हम ओशन से फूड के लिए बहुत सारी और चीज़ें भी डेराइव कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे तरह के एल्गी होते हैं, बहुत सारी तरह के प्लांट्स होते हैं जिनको हम ग्रो कराते हैं, बहुत सारी तरह के और फिशेज़ के अलावा बहुत सारे तरह के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपनी फूड के लिए, अपने ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एक्वा कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर मीन्स जिसमें हम पानी को यूटिलाइज़ करके पानी में कल्टीवेशन करें, प्रोडक्टिव यूज़ करें उसका। तो वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे फिशेस के अलावा भी ओशंस में और ख़ास तौर से इनक्लोज्ड सी में, मैं आपको उदाहरण बताऊं तो चिल्का लेक जो है वहाँ पर बहुत सारी तरह के जो यार्ड्स बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारी तरह के एक्वा कल्चर होते हैं, बहुत सारे तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है जो हमारी फूड इकोनॉमी को, हमारे फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करने में आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ना केवल फिशेस बल्कि प्लांट्स और जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो हम अपने ओशन से डेराइव करते हैं और फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं। हमारे ओशंस में जो ज़ोन्स हैं, जैसा हमने पीछे क्लासेस में भी देखा कि
कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है बायोलॉजिकली वहाँ पर, क्योंकि ऐसी कंडीशंस हैं आराम से जहाँ पे सनलाइट आ पाती है, फोटिक जोन है जहाँ पर सनलाइट आराम से पेनिट्रेट कर पाती है, शेलो डेप्थ का है जिसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। और इसी प्रोडक्टिव रीजन में बहुत सारी तरह के और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। यदि आप ये तो थे अभी हमने जैसे बात की फिशेस की या प्लांट्स की, ये तो थे बायोटिक रिसोर्सेज, कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज भी मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रोथ के लिए, जिसमें पेट्रोलियम है, मिनरल्स मिलते हैं वो भी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इकोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह ओशंस के अंदर बहुत सारे ओशनिक रूट्स हैं, ये ओशनिक रूट्स जो हैं ट्रेड में बहुत सहायक होते हैं, ट्रेड को प्रमोट करते हैं। और आप देखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी में 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है वो इसी रूट से होता है, ओशनिक चैनल से ही होता है, जिसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि पेट्रोलियम को लाने के लिए या बल्कि जो भी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि लाइटर चीज़ें जो छोटी होती हैं और जो कॉस्टली चीज़ें होती हैं हम उनको एयर वेज से भी भेजते हैं, एरोप्लेन्स हमारे काफ़ी बड़ी मात्रा में सामान लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो बल्कि होती हैं जिनको हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं उनको हम सी रूट से ही लाते हैं। इस तरह सी रूट्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। यहाँ एक प्रश्न आया कि ओशन से एनर्जी कैसे डिराइव की जाती है, तो ओशन से एनर्जी दो फॉर्म्स में डिराइव की जाती है स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं टाइडल एनर्जी, जब टाइड्स का पानी ऊपर नीचे होता है तो उससे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, पैडल्स होते हैं, जो ये पैडल्स ऊपर नीचे होके काफ़ी एनर्जी को स्टोर करते हैं। वहीं जो जो हमारे ट्रॉपिकल सीज हैं, जो वार्म सीज हैं, वहाँ पर एक और तरीका होता है जिसको ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं, जो एनर्जी बनाता है। जो जो वार्म सी हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जहाँ 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है वो वार्म सीज होते हैं, और उन वार्म सी में जो जो हमारी सोलर रेडिएशन से एनर्जी स्टोर हो गई है उसको कैप्चर करके हम एनर्जी बनाते हैं, जिसको ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं ओशंस के अंदर और बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी उपलब्ध होते हैं। ओशंस को यदि हम रिसोर्सेज के रूप में और यदि देखें तो एक हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा था कि टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म बहुत वर्ल्ड लेवल पे होता है तो ओशनिक कोस्टल रीजन में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट साइट्स हैं जिसमें जहाँ पर लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों, चाहे अफ्रीकन हों, उसी तरह अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ जहाँ ओशंस लगते हैं वहाँ सीनिक ब्यूटी मिलती है और इसके कारण बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो लोकल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, जिसके कारण काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है और लोकल इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट अप मिलता है। तो इस तरह टूरिस्ट जो हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओशंस को एज अ रिसोर्स आइडेंटिफाई करने में। लेकिन पिछले दिनों देखें तो ओशंस के जो ये ओशनिक रिसोर्सेज हैं अंडर थ्रेट हैं, जैसा हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि प्लास्टिक का पेनिट्रेशन जो है ओशंस में बहुत ज़्यादा है, ओशंस गार्बेज साइट के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, वर्ल्ड जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ बड़ी मात्रा में अर्बन वेस्ट जो है डंप किया जा रहा है ओशंस के अंदर, जिसके कारण पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशंस में ओशनिक डंप्स बन गए हैं। उसी क्रम में एक प्रश्न आया ऑयल स्पिल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल जो है, मिनरल ऑयल जो है, कुछ लिमिटेड रीजन्स में ही मिलता है और इसकी डिमांड वर्ल्ड ओवर है, जिसके कारण इसका बड़ी मात्रा में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलता ही रहता है। ओपेक कंट्रीज़ लगभग हर देश को ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं और ऑयल जो है वो 100% जो है वो सी रूट से आता है या पाइपलाइंस के माध्यम से भी कुछ देशों में आता है। तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे ऑयल जो है स्पिल कर जाता है समुद्र में। अब आप जानते हैं कि पानी के कंपैरिजन में ऑयल हल्का होता है, वो ऊपर रहता है, तैरता रहता है। जो ये तेल होता है जो रिस जाता है विभिन्न कारणों से, एक्सीडेंट के कारण या ट्रांसपोर्टेशन में, ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग होता है, पोल्यूशन कॉज करता है और एक्वेटिक लाइफ को एक तरह से कट ऑफ कर देता है, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण एक मेजर चैलेंज है
प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। आपने शेल कंपनी का नाम सुना होगा और एक बहुत ही मेजर ऑयल एक्सप्लोरेशन के दौरान जो हमारी मेक्सिको की बे है, मेक्सिको की खाड़ी है, वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ। इसी तरह इंडियन ओशन में बहुत सारे शिप्स जो हैं जब वो पोर्ट पे जाते हैं तो कई बार एक्सीडेंटली वो सिंक कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत बार मेजर ऑयल स्पिल्स होते हैं। और ये ऑयल स्पिल्स जो हैं एक बड़े एरिया को, ओशन को हैम्पर करते हैं, एक्वेटिक लाइफ को, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब लाइफ नीचे पानी में है और उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर आ गई तो वो जीव जो पानी की सरफेस पे रहते हैं वो तो डायरेक्टली हैम्पर होते ही हैं, साथ ही साथ वो जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, क्योंकि उनकी रेस्ट ऑफ द जो हमारी ओशंस हैं या हमारी जो एटमॉस्फेयर है उससे कट ऑफ हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ पर बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ऑयल स्पिल्स, पोल्यूशन, प्लास्टिक, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो हमारे ओशनिक रिसोर्सेज को आने वाले समय में बहुत प्रभावित करेंगे। इसीलिए आपको बीइंग ए स्टूडेंट ये कोशिश की जाती है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हों, ताकि आने वाले समय में जब आप डिसीजन मेकर्स बने, आप पॉलिसी मेकर्स बने, तो आप समझ पाएँ कि किस तरह से ये चीज़ें भी हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे जो लिवेबल अर्थ है इसको ख़राब कर रहे हैं, हमारे ओशंस ख़राब हो रहे हैं। तो आपको इस बात की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स, जो ओशनिक रिसोर्स वाला चैप्टर था उससे ये आपके कुछ सवाल थे, कुछ क्वेरीज थी। आपके यदि अभी भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।